राजस्थान पे हम लोग चलेंगे, राजस्थान पे हम लोग जानेंगे कि राजस्थान में बहन जी की 8 से 9 जो है वह मीटिंग्स है, यानी कि रैलियां हैं, विशाल रैलियां होने वाली हैं। और आकाश आनंद जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। और हम ये भी बता दें कि बसपा ने जो बागी थे लोग उनका टिकट को काट दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। राजस्थान में कहां देख रहे हैं सर आप बसपा को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो पहले तो मैं जब वहां आकाश आनंद जी ने 15 दिन का कार्यक्रम लिया था वहां से धौलपुर से लेकर के जयपुर तक का तमाम का 100 से 100 किलोमीटर से ज्यादा का जो उन्होंने उस 2000-3000 किलोमीटर से ज्यादा का जो उन्होंने वो पदयात्रा की, और कम से कम 100 से ज्यादा उन्होंने विधानसभाएं कवर की उस दौरान। मैं भी उस दौरान था तो वहीं पर एक झलक तो पता चल गई थी लोगों के अंदर से, महिलाओं के और वहां के तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के तमाम लोगों के, उससे एकदम से एक उनके अंदर एक ऊर्जा आ गई थी, एक लहर पैदा हो गई थी आकाश आनंद को देख करके, एक नई उम्मीद उनके अंदर जगी थी, उनकी आंखों में वो चमक थी कि वो कह रहे थे कि आप आए हो और हम तैयार हैं आप बहुजन सत्ता बनाने के लिए यहाँ पर राजस्थान में। और जिस तरीके से आकाश आनंद दोबारा अपना तमाम दौरा पूरा हरियाणा वगैरह का करके वो दोबारा से राजस्थान में जा वहां जा करके जम गए, और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत कर दिया दोबारा से कैंपेन को, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया कि बहन कुमारी मायावती जी ने कल वहां पर 4 बड़ी 8 बड़ी रैली करने का कार्यक्रम राजस्थान में दे दिया है। तो वहां विपक्षी थर थर कांपने लगे हैं, वहां का माहौल वहां का एकदम से वहां बहुजन मैं हो गया है। और वहां से फोन आ रहे हैं धड़ाधड़, मुझे भी बहुत फोन आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि अब ये तो एक तरह का एक राजनीतिक बड़ा राजनीतिक फेर बदल वहां का राजस्थान की धरती पे होने वाला है, जो पिछले कई दशक से वहां पर 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस से नूरा कश्ती करके यही दोनों मनुवादी पार्टियां वहां पर वहां सरकार में रहती थी, वहां पर अब बहन कुमारी मायावती ने अब उसको उसको इनके उनके उस तिलिस्म को तोड़ने का अब संकल्प ले लिया है। अब वो मैदान में आ गई है आकाश आनंद जी और तमाम पार्टी के साथ, और इस बार वो तिलिस्म टूटेगा और इस बार रिवाज बदलेगा और बहुजन समाज पार्टी का वहां पर राज कायम होगा राजस्थान में। ये स्पष्ट दिखाई दे गया है, ये रणनीति जो बहन कुमारी मायावती ने जो चली है उसकी कोई काट नहीं है इनके पास, इन मनुवादियों के पास, सिवाय इसके कि बहन जी को बदनाम करने के, चाहे वो बागी लोग हों जिनके टिकट कट गए वो बदनाम करें कि हमसे पैसे मांग रहे थे कुछ कर रहे थे, या जो इनके जो गांधी और गोदी मीडिया या विभीषण मीडिया है वो इस बात के कि बहन जी BSP खत्म हो गई है या BSP बी टीम है BJP की, इस तरह के उल जलूल जो लगाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है आरोप लगाने के, लेकिन वहां पर माहौल बन गया। और मुझे तो लग रहा था कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ही जीतेंगे, यहाँ तो अब राजस्थान की कल से जब बहन जी का जब शेड्यूल आया और आकाश आनंद जब दोबारा वहां पहुंच गए तो वहां दिखाई दे गया कि अब राजस्थान हमारा है, बहुजन समाज पार्टी का है, राजस्थान में भी बड़ी विक्ट्री होने जा रही है, राजस्थान में भी बड़ी विक्ट्री होने जा रही है। हम लोग राहुल गांधी से बात करेंगे, राहुल गांधी के विषय पे बात करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि वह संविधान की बात नहीं करते, और अखिलेश यादव के ऊपर भी लगता है कि वह संविधान की बात नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो माननीय काशीराम साहब की तो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दोनों आमने सामने होने वाले हैं, लेकिन संविधान की कभी बात नहीं करते हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा दलितों के हितैषी नजर आते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा ये दिखाते हैं कि हम दलितों के सबसे ज्यादा बड़े हितैषी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए फ्रस्ट्रेशन है ये इनकी, बहन कुमारी मायावती ने इनकी राजनीतिक धरती इतनी गर्म कर दी है कि अब इन्होंने अपने अपने प्रतीकों को छोड़ करके, कांग्रेस ने श्री गांधी को छोड़ करके जो उनके मेन आइकॉन है उनकी पार्टी के, उनको छोड़ करके वो कह रहे हैं बाबा साहब को और माननीय काशीराम जी को अब हम प्रचार करेंगे, उनके पुतले लेके घूम रहे हैं। और उधर वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी लोहिया साहब को छोड़ करके, और वो कह रहे हैं माननीय काशीराम जी का और बाबा साहब के पुतले लेकर के घूमेंगे, उनका प्रचार करेंगे। तो ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का सबूत है कि बहन कुमारी मायावती का डर इनकी आंखों में दिलो दिमाग के ऊपर और आंखों में साफ स्पष्ट दिख रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि बहन कुमारी मायावती ने इनकी राजनीतिक धरती को इतनी गर्म कर दी है कि इनको लग रहा है कि अब ये छोड़ करके भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम माननीय काशीराम जी को हम मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनके लोगों को ये गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, कहना चाहते हैं जी हम तुम्हारे हितैषी हैं, ये बताना चाहते हैं
लेकिन इसमें अब कोई फायदा नहीं है। लोग को पता है कि हमारा हितैषी कौन है। यहाँ पर भी उनकी अखिलेश यादव की सरकार थी ना 5 साल, कितने सफाई कर्मचारी पक्के करे भाई, कितने SC ST के बजट तुमने बांटे, कितने उनके उनके आपने बैकलॉग भरे, ये तो बताना पड़ेगा ना। सिर्फ कांशीराम जी की मूर्ति लेकर के और बाबा साहब की मूर्ति लेकर के घूमने से वोट नहीं मिलेगा, आप ये भी तो बताओगे। आप 5 साल थे भाई, आपने उत्तर प्रदेश में कितने बैकलॉग भरे SC ST के, आप सफाई कर्मचारी कितने पक्के भर्ती करे, या जो ठेके पे कच्चे थे कितने पक्के करें, ये सब आप बताओ। कितनी धरती बांटी है एग्रीकल्चर की, कितने कितने आपने बेघरों को घर दिए, फ्लैट दिए हैं, कितनी आपकी वहां पर कानून व्यवस्था कैसी थी आपकी, ये सब बताना पड़ेगा ना भाई आपको। ऐसे ही थोड़ी है। और कांग्रेस को देखो, मैं तो बड़ा कल हैरान, खूब हंसा मैं, 1.5-2 घंटे में ट्रेन में था, मैंने एक देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी जी, इतने हताश, इतने बौखलाए हुए, बोल कह रहे हैं इनको समझ नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि जी वो पत्रकारों से कि भाई तुम में पिछड़े कितने बैठे हैं या दलित कितने बैठे हैं, वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी घबराओ मत, आप अपने 70 साल का अपना वो देखो, आंकड़ा देखो, तुमने राज किया है, इस कांग्रेस ने किया है, इस भारत पे सबसे ज्यादा राज किया है, केंद्र सरकार में भी राज्य सरकारों में भी, तब तुम्हें पिछड़े दलित याद नहीं आते। आज तुम्हें वोट लेना है, तुम्हें बहन कुमारी मायावती दिखाई दे रही है सामने खड़ी हुई और तुम लोहा नहीं ले पा रहे हो, तो आज तुम दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हो और अपना टिकट भी बांट रहे हो। तो वहां राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहां तब भी पिछड़ों का ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि अनुसूचित जाति के तो आप टिकट SC ST के काट नहीं सकते, वो तो रिजर्व है, उनको तो आपको मजबूरी में देना है, मगर पिछड़ों को तो दे दो। अगर तुम इतने ही सामाजिक न्याय के पुरोधा हो, इतने ही पिछड़ों की बात कर रहे हो, तो भैया उनको टिकट तो दे दो, उतने 65% जितने वो हैं पिछड़े हैं। तो ये इनकी हताशा, ये इनका डर और इनकी हार इनकी आंखों में है। और मैंने कहा था, तब मैं कह रहा था, लोग हंस रहे थे, मैं कह रहा था कि इस बार जो लड़ाई होनी है वो मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद, अर्थात मोदी बनाम माया, ये लड़ाई होगी जो दिखाई दे रही है। और अभी 1 महीने के अंदर अंदर जो 4 राज्यों के जो परिणाम आने हैं उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि एक सेनापति मनुवादी खड़ा होगा 2024 के चुनाव में, और सामने लड़ाई होगी बहुजन सेनापति बहन कुमारी मायावती के रूप में खड़ी होगी। ये लड़ाई होनी है बहुजन बनाम मनुवाद, ये लड़ाई ये तय है जो होनी है बिल्कुल जी। चूंकि चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल आपसे रखूंगा, हाथी की चिंगाड़ को कहां देखते हैं 2024 के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़ा समीकरण नजर आ रहा है, बसपा के लोग जमीन स्तर पर बड़े कार्य कर रहे हैं, जो कैडर नहीं हुआ करते थे, जो बसपा में बताए जाते थे वो भी खत्म हो गए थे, वो फिर दोबारा से शुरू करेंगे, चलो गांव की और लगातार आप लगातार बहुत एक्टिव नजर आ रही है बसपा, जो पहले एक्टिव नहीं होती थी कि सड़कों पे नहीं आते, रोडों पे नहीं आते, मिलने नहीं आते, पार्टियां नहीं करते, मीटिंगें नहीं करते, तो अब 2024 के अंदर हाथी की चिंगाड़ को कहां देखते हैं आप? देखिए हाथी की चिंगाड़ इस समय इतनी खतरनाक हो गई है कि जो विपक्षियों के दिलो दिमाग फटने लगे हैं, उनके सामने दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि जो हाथी है उसने अपनी चाल को ऐसा मदमस्त करके वो चल रहा है, उसको सामने कोई जो भी आ रहा है उसको इधर उधर भगा रहा है। और देखिए विपक्षियों का जिस तरीके से तांता लगा हुआ है, कांग्रेस, BJP और दूसरी पार्टियों के जो वहां पे पूर्व विधायक थे वहां कर वहां के पंचायत के नेता, फलाने नेता, मंडल के नेता, वो दौड़ भाग लग गई है, सारे BSP में ज्वाइन कर रहे हैं, रोज दिखाई दे रहा है, तमाम दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वहां पर विश्वनाथ पाल साहब ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, जिस तरीके से वो गांव चलो अभियान के तहत लगातार कैडर मीटिंगें कर रहे हैं, और उस तरह से एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ है और लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। देखो बड़े मजे की बात यह है कि मैं देख रहा था परसों कि वहां पर ब्राह्मणों ने अपील करनी शुरू कर दी है कि और बोलना शुरू कर दिया है कि हम बहन जी के शासन काल में सुरक्षित थे, बहन जी ने हमें न्याय दिया, बहन जी ने हमें पूरी इज्जत मान सम्मान दिया। वो अपील कर रहे हैं अपने पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने ब्राह्मण है, सब बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो। इस तरह का उन्होंने हैशटैग शुरू कर दिया है, इस तरह का लगातार सोशल मीडिया पे और तमाम उसमें चल गया है। जीत निश्चित है, हर हालत में जीत होगी। मैंने घोषणा की थी उत्तर प्रदेश में 50 सीटें बहन जी जीतेंगी, बहुजन समाज पार्टी जीतेंगी, और मैंने कहा था 49 नहीं हो सकती, 51 जरूर हो सकती है, और बाकी और राज्यों से 15-20 सीटें, 70 और 75 का आंकड़ा ये फिट बैठ गया है, और बहन जी वो बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी, नई भारत की नई संसद में पहली दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती के रूप में बनेंगी, हाथी की सवारी करते हुए आएंगी और प्रधानमंत्री बनेंगी। अब 2024 हमारा है, बहुजनों का है, अब इसमें कोई शक नहीं बचा जी। आप थे हमारे अशोक ज्ञानी जिन्होंने हमारे तमाम मुद्दों पर बात करी और उन्होंने बताया कि जो जिस तरीके से बसपा का मैनिफेस्टो आया है वो एक ऐतिहासिक कदम है, और यह ऐतिहासिक कदम
हाथी के चिंगार जो है वह नई संसद तक सुनाई देगी और बहन जी आएंगी प्रधानमंत्री के रूप में नई संसद के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।